हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, आपको एनसीईआरटी के सीरीज में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का आज आपको एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। और अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं वो करवा दूंगा। या आप कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि सर वो आप पहले करवा दें तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में पहले करवा दूंगा। जैसे ही एनसीईआरटी के सीरीज फिनिश होंगे मैं उसके बाद आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस लेके आऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द मिसिंग वेरिएबल ए डी एन एंड एन ए एन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन टर्म। मतलब जो मिसिंग टर्म है आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस का आपको फॉर्मूला मालूम है एन ए टर्म का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन आप इसमें क्या है कि ए एन आपको फाइंड आउट करना है। तो ए तो आपको मालूम है सेवन एंड एन क्या है एट, तो एट माइनस वन, एट माइनस वन क्या हो जाएगा आपका सेवन एंड डी शुड बी थ्री, तो हो जाएगा सेवन प्लस 21, दिस इज 28। मतलब फर्स्ट का आंसर यहाँ हो जाएगा आपका 28। सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड में बस सेकंड में भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन तो क्या है यहाँ जीरो है और आपका ए क्या है माइनस 18 और एन माइनस वन, तो एन तो फिर यहाँ 10 दे रखा है, तो 10 माइनस वन क्या हो जाएगा 9, और आपको d फाइंड आउट करना है। तो 9d इक्वल टू 18 इधर आ जाएगा, तो दिस इज 18 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 टू जा, तो ये हो जाएगा आपका d इक्वल टू 2। यहाँ d की वैल्यू आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है आपका an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चंस में माइनस फाइव, ये तो फिर आपको फाइंड आउट करना है। और एन कितना दे रखा है 18, तो 18 माइनस वन 17। और डी कितना दे रखा है आपका माइनस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव ए और ए हो जाएगा माइनस 51। तो ए इक्वल टू 51 इधर गया, तो क्या हो गया 51 माइनस 5, तो ए आपका हो गया 46, तो ए शुड बी 46। फोर्थ क्वेश्चंस पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस फॉर्मूला तो वही लगना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बी। तो ए एन क्या है आपका 3.6 और ए क्या है आपका माइनस 18.9 और एन तो खैर फाइंड आउट करना है, तो एन तो रहने देते हैं एन माइनस वन, और डी क्या है आपका 2.5। ठीक है, करते हैं। तो 18.9 इधर आ गया, तो हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6 इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाए, दोनों ऐड कर लेते हैं, ये हो जाए, ये आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। तो ये डेसिमल से डेसिमल गया, तो यहाँ 25 कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा n माइनस वन की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 9, 1 इधर आ जाएगा 10, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए तो आपका क्या दे रखा है 3.5। ठीक है, इसमें भी एन निकालना है, एन दे रखा है 10.5, तो 10.5 माइनस वन, 10.5 माइनस वन तो कितना हो जाएगा 9.5 और डी कितना दे रखा है 0, तो दिस इज 3.5।
एन भी क्या हो जाएगा 3.5 है ना, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफायर। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ए दे रखा, 30 टर्म ऑफ ए पी इज का, इस ए पी का 30 टर्म क्या होगा, तो क्या है क्वेश्चन, 10, 7, 4 एसोम। तो यहाँ ए तो हो गया आपका 10, कॉमन डिफरेंस शुड भी हो जाएगा आपका 7 माइनस 10, दिस इज -3, और एन क्या दे रखा है आपका 30। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए इक्वल टू क्या है आपके पास 10, एंड एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या है, एन क्या है आपका 30 माइनस 1, 29 हो गया, और डी कितना हो गया आपके पास -3 हो गया, दिस इज 10 माइनस 87, दिस इज -77, तो दिस इज ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 टर्म ऑफ द ए पी, क्या है ए पी, -3 -1/2 एज ऑन। ए तो हो गया आपके पास -3, कॉमन डिफरेंस हो गया -1/2 -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1/2 + 3, सॉल्व करेंगे 2 - 1 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, और n क्या दे रखा है 11, कैसे n 11 दे रखा है, क्योंकि 11th टर्म पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, ए तो हो गया आपके पास -3, एन 11, 11 में 1 गया 10, और डी शुड बी 5/2, 2 से 5, तो दिस इज -3 + 25, तो ये हो जाएगा आपका 22, 22 कहाँ गया, दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। एनसीईआरटी सीरीज के बाद मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज आपको लेकर आऊँगा। फाइंड द एपी, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, इसमें आपको मिसिंग टर्म डालना कि यहाँ क्या होगा, और नेक्स्ट है आपका 26। तो ये फर्स्ट टर्म दे रखा है और ये लास्ट टर्म दे रखा है, तो ए बीच का अपने को टर्म चाहिए कॉमन डिफरेंस, और टोटल 3 टर्म्स है, तो आप कैसे भी बना सकते हैं, ए इक्वल टू टू 2 हो जाएगा, एन इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, डी आपको मालूम है नहीं, और ए एन आपको मालूम है 26, तो ए एन हो गया आपका 26, ए हो गया 2 प्लस एन माइनस 1 माने 2 डी, तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 1 24, तो D इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, मतलब आंसर विल बी 12, यहाँ आंसर हो गया आपका 12। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको मिसिंग टर्म निकालना है, ए 13, ए भी दे रखा है, ए 3 दे रखा है, इसमें 2 मिसिंग टर्म्स हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आप इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 13 - x इक्वल टू y माइनस 13 इक्वल टू 3 - y, तो कॉमन डिफरेंस एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, अगर ये दोनों को आप इक्वल कीजिएगा तो y, ए वाला y इधर आके 2y हो जाएगा, ए वाई इधर आ जाएगा और 13 इधर चला जाएगा, 13 + 3 ये हो जाएगा 16, यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ तो वाई इक्वल टू ए हो गया आपका 8 आ गया, अब वाई इक्वल टू 8 हो गया, तो अब क्या कीजिए कि ए दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो 13 - x इक्वल टू वाई इक्वल टू 8, तो 8 - 13 तो हो जाएगा आपका 13 - x, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 - 13, तो हो जाएगा आपका माइनस
फाइव है, तो ए एक्स को इधर भेज देते हैं और ए फाइव को इधर भेज देते हैं, तो एक्स इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा 18, ए हो जाएगा आपका 18, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मिसिंग टर्म का है 5 सिर्फ दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 5 और एक 2 मिसिंग टर्म दे रखा है कि एक क्या मिसिंग टर्म हो सकता है। तो इसमें देखिए एक 5 है और 2 मिसिंग टर्म्स है। अब देखिए अपने को ए दोनों टर्म निकालना है एक्स और वाई, तो ए आपका जैसे कि ए रिलेशन आ जाएगा 2x + 5y। अब यहाँ आप कोई भी सीरीज आप रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मान लिया कि मैं y इक्वल टू अगर 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2x = 6, तो x = 3, मतलब ऊपर जो सीरीज बन गया 5 3 1, ये भी सही है, कोई भी आंसर हो सकता है। आप अगर y = 2 रखिएगा तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, अगर y = मैं 3 रख देता हूँ तो y = 3, तो 2x = 5 + 3 8, तो x = आपका 4 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 4 3। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस देखिए 2 है यहाँ भी और यहाँ 4 - 5 - 1 - 1 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ आ रहा है 3 - 5 - 2 1 - 3 - 2 आ रहा है, तो 4 - 5 - 1 और 3 - 4 - 1, तो दोनों सही है, कुछ भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 और 4 मिसिंग टर्म है -4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिस इज 4 - 4, एक मिसिंग टर्म, 2 मिसिंग टर्म, 3 मिसिंग टर्म, 4th मिसिंग टर्म, 6। क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं -4 6, ठीक है। अब देखो एक फर्स्ट टर्म दे रखा है और ये लास्ट टर्म दे रखा है, ये तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म है -4 और लास्ट टर्म है आपका 6 और नंबर ऑफ टर्म हो गया 4 2 6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने डी निकलेगा तो काम बन जाएगा। तो एन का फॉर्मूला होता है आपका a + n - 1 d, तो an = 6 a = -4 n 6 6 में से 1 गया आपका 5 ना, ये हो जाएगा 5 और डी निकालना है, तो 5d = क्या हो जाएगा a 4 इधर आ जाएगा, तो 6 + 4 10, तो d = क्या हो जाएगा 10/5, दिस इज 2, तो d हो गया आपका 2। अब d 2 हो गया तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि ए भी क्या होता है a + b a + 2d एज़ सोन, तो a तो आपका -4 मालूम है और d 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका -4 - -4 + 2, दिस इज -2 ना, नेक्स्ट टर्म -2, अब हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा 2 4, ये कॉमन डिफरेंस 2 2 लाना है ना, तो ये डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं या इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th है, ए दे रखा है ये निकालना है, फिर है 32, ए निकालना है, ए निकालना है, ए निकालना है, तीन वैल्यूज निकालना है। और भी देखते हैं 38 - 22, 38 - 22, 38 ए है 38 और -22, तो अपने को तीन वैल्यूज निकालना है। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है 3 2 5 और 1 6, तो एन इक्वल टू आपका 6 दे रखा है और लास्ट टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है -22 और कॉमन डिफरेंस की प्लेस पे क्या रख सकते हैं 38 - a, तो फॉर्मूला लगाते हैं an = a + n - 1 d,
एन क्या है -22, एंड ए शुड बी, तो ए तो आपने माना ही है n-1, तो n कितना है आपका 3, 6, n शुड बी 6, तो हो जाएगा आपका 5। और d की प्लेस पे क्या रख देते हैं, 38-a, तो ये हो जाएगा आपका -20, -22, दिस इज ए। अब 5 को क्या कर देते हैं, अंदर भेज देते हैं, 8 को निकाल देते 4, 15, 16, 17, 19, 19, अब -5a, तो ये 5a और a कितना हो जाएगा -4a, और उसको इस साइड कर देते हैं तो दिस इज 4a, और 22 को इधर आके कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 2, 1, 2, 2, 2 ना 22, 2, ठीक है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 212/4, तो 4 से 4, 5 जा 20, 4, 4, 3 जा, तो ऑप्शंस आंसर में क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ गया आपका 53, 53। अब 53 आ गया तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 38-53, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 5 और 1, -15 आ गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस वुड बी -15। तो अब इसमें से निकाल लेंगे तो ये तो ये हो गया a प्लस डी, अब निकालना है आपका a प्लस 2d, तो ए तो आपका 53 हो गया और d आपका -15 यानी -30, तो ए हो गया आपका 30, ए हो गया आपका 23, यहाँ आंसर हो गया 23, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा a प्लस 3d, ए तो हो गया आपका 53 और डी की वैल्यू क्या 15, तो ये हो गया 45, ठीक है, तो 45, 5, 50, 8, तो दिस इज 8 हो जाएगा, ये हो गया 8। नेक्स्ट जो हो जाएगा ए प्लस 4d हो जाएगा, तो ए कितना है, ए तो 53 हो जाएगा और 4d, 4 × 50 -60 है ना, तो 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 53, 53 मतलब ये हो जाएगा 7, दिस इज -7, है ना, राइट ऑन कर लें। नेक्स्ट विच टर्म ऑफ द ए पी इज 78, तो दैट मीन्स ए एन दे रखा है आपका 78, ए इक्वल टू आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8-3, दिस इज 5, तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, तो एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 78, ए इक्वल टू 3, और एन तो फिर फाइंड आउट ही करना है, तो n-1 कॉमन डिफरेंस वुड बी 5, तो ए 3 इधर चला जाएगा, तो 78 में से 73 गया, तो ये बच गया आपका 75, और ये 5 आ जाएगा आपका नीचे, दिस इज n-1, तो 5, 5, 6, 7, 15, तो n इक्वल टू ए 1 इधर आ जाएगा, तो 15 + 1, दिस इज द 16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन ईच ऑफ द ब्रैकेट, नंबर ऑफ टर्न निकालना, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, तो ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 7, डी इक्वल टू हो गया आपका 13-7, 13-7 दिस इज 6, और ए एन दे रखा है 205, तो फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू, और एन फाइंड आउट करना है, तो एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, तो ए एन इक्वल टू है आपका 205, ए इज द 7, और एन, एन तो आपको फाइंड आउट करना है n-1, कॉमन डिफरेंस वुड बी 6, अब 7 को इधर भेज दो, दिस इज 205-7, और ए 6 अपॉन में आ जाएगा, दिस इज n-1,
अब 205 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 198 अपॉन 6 एन माइनस 1, तो 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 3 जा 18, एक बचेगा 6 3 जा 18 33, मतलब ये 1 इधर आ जाएगा तो 33 प्लस 1 दिस इज 34 आ जाएगा एन की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू आपका है 18, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 13 माइनस 18, मतलब दिस इज -5, क्योंकि 13 माइनस 18 है ना, 18 ज़्यादा संख्या तो -5, और नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करना है, और nth टर्म दे रखा है आपका -47, तो लगाते हैं nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन बी, तो एन तो है आपका -47, ए शुड बी 18, और एन तो अपने को फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस शुड बी -5, तो एक काम करते हैं ए 18 को इधर ले आते हैं, तो -47 -18, और -5 इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया। आप चाहो तो -5 से इधर मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टीचर्स भी आपको पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका, दोनों का ऐड कर देते हैं -65 -5, तो एक काम हो सकता है कि माइनस से माइनस किया और ए 5, दिस इज 5 बन जा और 3 5 7, तो n इक्वल टू 1 इधर गया तो 13 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू 14। ये मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं 5.2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं 5.2 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करूँगा, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसमें इसमें सॉल्व करूँगा। और आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं जल्द से जल्द 10th क्लास वालों के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 30 डेज में आपके मैथ्स और साइंस के पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे।